हाँ सुनिए, क्वेश्चन कहता है अ बॉल ऑफ मास कितना है? 0.2 kg, मैंने 200 ग्राम का बॉल है, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे वर्टिकली अपवर्ड आपको फेंकना है उसको, ठीक है, अप्लाइंग अ फोर्स बाय हैंड, मतलब वर्टिकली अपवर्ड आपको कैसे फेंकना है, हाथ से फेंकना है, हाथ से फोर्स लगा कैसे फेंकना है। तो होता क्या है कि इफ द हैंड मूव्स 0.2 meter, माने आप अपने हाथ को कितना ऊपर उठाते हैं, 0.2 meter, माने 20 सेंटीमीटर आप ऊपर उठाते हैं, और वाइल अप्लाइंग द फोर्स एंड बॉल गोज अप टू 2 meter, और एक बार जब वो आपके हाथ से छूट जाता है तो बॉल बताइए कितना ऊंचा जाता है, 2 meter ऊंचा जाता है कि नहीं। तो चलिए कोशिश करते हैं कि थोड़ा फोटो वोटो बनाया जाए, क्या बोलो बाबू? तो मान लो बाबू ये तुम्हारा हाथ है, क्या है बताओ, हाथ है, ठीक है। अब करना क्या है कि तुमको बॉल को फेंकना है ना, बोलो जल्दी, बॉल को क्या करना है, बॉल को मान लो फेंकना है, तो इसके लिए तुमने अपने हाथ को कितना ऊपर उठाया है, अरे कितना ऊपर उठाया है, 0.2 meter ऊपर उठाया है। और अच्छा यहां पर बता ना बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी, अरे जीरो ना होगी, अभी बॉल पकड़ा मैंने, ठीक है, तो यहां बॉल की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ द बॉल यहां पर, लेकिन यहां पर तो कुछ वेलोसिटी होगी ना, बोलो इस वेलोसिटी को क्या यू मान लिया जाए, क्या यू मान लिया जाए कि वी मान लिया जाए, चलो रहने दो वी मान लेते, क्या दिक्कत है। तो अब क्या है कि ये और फर्दर कितना ऊपर जाएगा, और फर्दर कितना ऊपर जाएगा, ये 2 meter ऊपर जाएगा, तो इसको हम लोग हाइट मान लें, नहीं ना समझ में आ रहा है आपको, बहुत अच्छा। तो एक काम करिए, हम लोग इस पॉइंट को बोल देते हैं ए, इस पॉइंट को बोल देते हैं बी, और सबसे जो अपवर्ड पॉइंट है उसको क्या बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम इस मोशन को सॉल्व करेंगे फ्रॉम बी टू सी, कहां से कहां तक के लिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे, बी से लेके सी तक के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो एक बात बताइए, वी वेलोसिटी से अगर आप किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं, वी वेलोसिटी से अगर आप किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं, तो जो मैक्सिमम हाइट वो गेन करता है उसका फॉर्मूला आपको याद है, क्या फॉर्मूला होता है? अच्छा, यू वेलोसिटी से फेंकते हैं तो यू स्क्वायर बाई 2g, भी वेलोसिटी से फेंकेंगे तो भी स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, h हमको दिया हुआ है कितना है, 2 meter है, वी स्क्वायर तो ये तो हमको निकालना है 2, और जी की वैल्यू कितनी लेते हैं, 10 लेते हैं, ये उधर जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। तो बाबू v इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट कितना, 40 meter per second। तो एक बात तो देखो हमको पता चल गया कि हम लोगों ने इसको 40 meter per second से फेंका है, बोलो जल्दी। अब देखो हमको ना ये बताना है कि हमारे हाथों ने बॉल पे कितना फोर्स लगाया है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम पता करेंगे कि इस दौरान हमने कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है। अब देखो हमको क्या क्या पता है, हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है कितना है, चलो इसको यू से दिखा दिया जाए, 0 है। फाइनल वेलोसिटी देखो हमको पता है, जितनी देर तक हमने फोर्स लगाया है उतनी देर में फाइनल वेलोसिटी यही ना आया है, तो फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एस पता है, बोलो तो क्या हमसे ए नहीं निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसी मोशन को, अब हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम ए टू क्या, तो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे 0, फाइनल वेलोसिटी लेंगे अंडर रूट 40 meter per second, डिस्प्लेसमेंट कितना कराया है हमने 0.2 meter, और हमको एक्सेलरेशन निकालना है। फॉर्मूला होता है v square is equals to u square plus 2as, होता है v square का मतलब हुआ अंडर रूट 40 का स्क्वायर करो, डायरेक्ट 40 लिख दूं मैं, ए बाबू रे u तो 0 ना है, खत्म कहानी है, 2 है और a की जगह a है और s की जगह 0.2 है। अब ये 0.4 नीचे जाएगा तो यहां से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा 40 divided by 0.4 meter per second square। अब ये डेसिमल ऊपर जाके इसको 400 बना देगा और मिला जुला के देखिए आपको एक्सेलरेशन मिला कितना, 100 meter per second square। आप समझ रहे हैं, 100 meter per second square ना, तो एक्सेलरेशन मिल गया। मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मास कितना है 0.2 kg, तो 100 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, अरे 100 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना,
एफ बराबर एम इंटू ए होता है ना, तो एम की जगह पे रखिए 0.2 और ए की जगह पे रखिए कितना 100, आंसर कितना आएगा 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन ऑप्शन में है, हाँ या ना? हाँ, तो ऑप्शन में है, आप लगा भी दीजिएगा, तो लगा दीजिएगा तो आपको कितना नंबर मिलता है, -1 मिलेगा। मतलब हमारा आंसर आया 20 न्यूटन हम लगा देंगे और हमको -1 मिलेगा, कैसे, क्या 1.8 है? नहीं, मतलब फर्दर ये ऊपर 2 मीटर जाता है, वो उसको छोड़ो ना, 20 सेंटीमीटर का ही के लिए फर्दर यहां से 2 मीटर जाता है, नहीं उस ठीक है, फेंकने के बाद वो 2 मीटर जाता है, आप लैंग्वेज पढ़िए ना, गोज अप टू 2 मीटर, मैंने फेंक दिया तब वो 2 मीटर और जाएगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। खैर हाँ, बात आप लोग, हालांकि आप लोग साइकोलॉजी पकड़ के बोल रहे हैं कि -1 मिलेगा, ये बात आपको भी नहीं पता है कि -1 मिलेगा कि नहीं, वो आप सोच रहे होंगे कि सर इतना इतना रेघा के पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि जरूर इसमें कुछ ट्विस्ट है कि नहीं, तो हर बार आप लोग सही नहीं होते हैं, यहाँ पर जो है आपको -1 ही मिलेगा, देखो यही मैं ढूंढ रहा था -1 मिलेगा। देखो पता प्रॉब्लम क्या हो गया, आप किसी से भी दीजिए, कितना भी महान आदमी को ये क्वेश्चन दीजिएगा ना, ठीक है, इसको सिली मिस्टेक हालांकि कहा जाता है, तो वो उसका आंसर यही आएगा, 20 न्यूटन ही आएगा, तो क्यों गलत है ये मैं बताता हूं, अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो एफ बराबर एम ए होता है ना, उसमें ये जो F होता है वो नेट फोर्स होता है, क्या होता है, और बॉल पर ना 2 लोग फोर्स लगा रहा है, जब आप इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, सिर्फ आप फोर्स लगा रहे हैं क्या, अरे धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है, हे भगवान, तो नेट फोर्स में हमको दोनों को कंसीडर करना होगा, तो हम पता हमको क्या करना होगा, हमको इस बॉल का फोटो बनाना होगा, ये देखिए ये क्या हो गया, बॉल का हमको क्या बनाना होगा, फोटो बनाना होगा, ठीक है, अब ये बॉल का फोटो बन गया, ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं और नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है, तो mg कितने न्यूटन का लगेगा, अरे तो 0.2 × 10 करोगे तो 2 न्यूटन लगेगा, और एक्सेलरेशन तो ऊपर ही ना हुआ है, तो हमको एक्चुअली लिखना होगा यहाँ ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ड्राइविंग फोर्स कितना है, एफ है, माइनस अपोजिंग फोर्स कितना है, 2 है, मास कितना है, 0.2 है, और एक्सेलरेशन कितना है, 100 है, तो बाबू ये तो 20 ना आ गया, अरे 0.2 × 100 20 आ गया, और ये 2 उधर जाके क्या बन जाएगा, जाके क्या बन जाएगा, 22 नहीं बन जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 22, यानी कि देखिए हो क्या रहा है ना, धरती जो है वो नीचे की तरफ 2 न्यूटन लगा रहा है, तो आपको 22 न्यूटन लगाना पड़ेगा, तब ना नेट फोर्स 20 न्यूटन आएगा, तो हमसे ये थोड़े पूछा है कि आप बताइए कि बॉल पे नेट फोर्स कितना लगा है, ना हमसे ये पूछा है कि हमने कितना फोर्स लगाया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वो हैंड की ही बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, 22 न्यूटन होना चाहिए ना, हालांकि इसको बोलना जरूर चाहिए कि फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाई हैंड जरूर बोलना चाहिए, ठीक है, तो अगर नेट फोर्स की बात की जाए तो 20 न्यूटन लगेगा, है ना, और अगर खाली हाथ के फोर्स की बात की जाए तो कितना लगेगा, 22 न्यूटन लगेगा, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ठीक है, ये देखिए अब बलून है, एक बलून है, तो बलून बना लिया जाए, बोलिए कोई इसमें चित्रकार आदमी है क्या जो आके बलून बनाना चाह रहा है, आई नो बलून है, चलो हो गया, रहने दे, देखो बलून है, और इस बलून का मास कितना है बताइए, एम है, मास मान लीजिए यही पे जो मास लटका उसको एम मान लिया जाए, कह रहा है कि इज डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सेलेरेशन कितना, तो ये बलून नीचे जा रहा है ए एक्सेलेरेशन से, ठीक है, फिर कह रहा है
जिसमें a लेस देन g है, जाहिर सी बात है भाई। बलून अगर ये फिल्मों में आपने ऐसा बलून देखा होगा जिसमें यहाँ आग जलाया जाता है, तो आग जलाने से होता है क्या कि इसके अंदर की हवाएं गर्म हो जाती है ना, हवा गर्म होने से हवा फैलता है, हवा की डेंसिटी कम होती है, और जब चीज़ों की डेंसिटी कम होती है तो वो कहाँ जाती हैं, ऊपर जाती हैं। लेकिन अभी मान लीजिए फिलहाल ये बलून कहाँ जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अभी जीत रहा है। अच्छा एक और बात है, तुमको पता है कि ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है इस पर? अरे बलून ऊपर किस फोर्स की वजह से जाता है? दया तेरेगी। एक बॉटल लो, बॉटल खाली बॉटल होना चाहिए प्लास्टिक का, ढक्कन लगा के आप पानी के अंदर डाल के छोड़ दोगे, कहाँ जाता है वो? तो इतना समझ में आता ना, ऊपर जाता है। तो ये ऊपर कौन से फोर्स की वजह से आता है? तो ये वही फोर्स है जिस फोर्स की वजह से ये बलून भी ऊपर जाता है। वो मेला में मिलता है वो हीलियम भरा हुआ गुब्बारा, तो उसको छोड़ देते हैं, कहाँ जाता है? तो कौन से फोर्स की वजह से जाता है? बायंट फोर्स। नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा फोर्स ऑफ बायंसी इसको कहा जाता है, उत्प्लावन बल होता है ये। तो बायंट फोर्स की वजह से ये जाता है ऊपर, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी चीज जाता है नीचे। तो फिलहाल अभी लग तो इस पर दोनों रहा होगा, नीचे लग रहा होगा कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ऊपर लग रहा होगा कौन सा फोर्स? बायंट फोर्स लग रहा होगा ना। अरे बोलो, तो ये नीचे क्यों जा रहा है पता है? क्योंकि कौन जीत रहा है अभी? ग्रेविटेशनल फोर्स जीत रहा है, बायंट फोर्स अभी हार रहा है, इसीलिए नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अब करना ये है ना कि हमको इसको नीचे ना भेज के कहाँ भेजना है? ऊपर भेजना है। तो जाहिर सी बात हमको इसको हराना पड़ेगा, और इसको हराने का एक ही उपाय है कि आप इसका मास गैस क्या कर दीजिए, एक गंदा गंदा काम जो है इसको हराने का एक ही उपाय है कि आप मास को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, मास कम कर दीजिएगा, नीचे का ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसने देखो क्या कहा है कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एन एक्सेलेरेशन, कितना ए। तो बताइए इसमें से हम कितना मास निकाल दें कि अब ये नीचे जाने की बजाय कहाँ जाने लगे? ऊपर जाने लगे। तो चलिए ना कैपिटल एम मास निकाल दिया जाए। कितना मास निकाल दिया जाए? कैपिटल एम। तो अब इस बेचारे का जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम। बाकी बलून तो आपका वैसा ही रहेगा। अरे बोलो ना, बलून आपका अभी भी वैसा ही रहेगा, लेकिन अब ये जा रहा है ए एक्सेलेरेशन से कहाँ? ऊपर जा रहा है। अरे बोलिए, तो अब आप मुझको बताइए कि इस पर जो फोर्सेस लग रही हैं नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम इंटू जी। अरे यार, कैपिटल एम मास इसमें से हम हटा दिए, तो अब m की जगह पे इतना ही ना बचा है। तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg, बायंट फोर्स पर असर पड़ेगा क्या? नहीं। बायंट फोर्स किन बातों पे डिपेंड करता है आइए देखते हैं। हालांकि इसको डिटेल में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। रो भी जी, रो का मतलब हुआ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो आपको क्या लग रहा है, आपके इसमें से कुछ मास निकाल के फेंक देने से क्या हवा की डेंसिटी बदल जाएगी? नहीं। वी जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होता है? फिलहाल के लिए मान लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, हालांकि उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट भी है, लेकिन यहाँ चलेगा। तो क्या लग रहा है, थोड़ा सा मास इसमें से अंदर से निकाल कर फेंक दोगे तो क्या गुब्बारे का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? इस पर असर नहीं पड़ेगा। अरे बोलो ना। हाँ ठीक है, और जी जी की वैल्यू को बदलना हमारे औकात से बाहर है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसमें से कुछ निकाल कर फेंकने से उन तीनों में से कुछ नहीं बदला का मतलब हुआ बायंट फोर्स भी नहीं बदलेगा। तो बायंट फोर्स पहले जितना था, बायंट फोर्स अभी भी उतना ही होगा। आप समझ रहे हैं? चलिए अब हम इक्वेशंस लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन लिखा जाए। तो बताइए ये कहाँ जा रहा है? ये नीचे ना जा रहा है ए एक्सेलेरेशन से, और ये ऊपर जा रहा है ए एक्सेलेरेशन से। तो बताइए ड्राइविंग फोर्स कौन है? जल्दी, एम जी है। क्या बात है। माइनस अपोजिंग फोर्स कौन है? बायंट फोर्स है। बराबर मास कितना है और एक्सेलेरेशन कितना है? इक्वेशन नंबर क्या है? वन है। बहुत बढ़िया। इसके बारे में बताइए ड्राइविंग फोर्स कौन है? ये कहाँ जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है। कौन है ड्राइविंग फोर्स? एम बी। माइनस अपोजिंग फोर्स कौन है? स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम इंटू जी इज इक्वल टू मास कितना है? अरे तो स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम और इंटू ए करोगे
चलो वेरी गुड। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करने वाले बताइए, सॉल्व करने वाले हैं, और सॉल्व करने के लिए अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दे तो क्या करेंगे? आप शायद ये सजेस्ट करें कि सर आप दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करने से ये जो एफ बी माइनस में और ये जो एफ बी प्लस में है एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, तो अल्टीमेटली बताइए राइट हैंड साइड में हमको क्या मिलेगा? तो स्मॉल एम जी मिला, अरे हाँ तो बोलो, और इधर देखो हमको क्या मिला, माइनस, फिर मिला स्मॉल एम जी, नहीं मिला, और माइनस माइनस मिलके तो प्लस, कैपिटल एम जी भी मिला, और इस साइड में देखिए क्या मिला, तो स्मॉल एम ए मिला, और इस ए को अंदर भेज दीजिए, तो एक बार फिर से हमको स्मॉल एम ए मिला और माइनस कैपिटल एम ए मिला। एक्चुअल में देखा जाए तो हमको कैपिटल एम की ना वैल्यू निकालनी है, अरे हमको ये पता करना है कि कितना मास इसमें से फेंक दिया जाए। तो एक काम करिए, आप सबसे पहले तो इसको और इसको काट लीजिए, और इस माइनस एम ए को उधर लेके जाइए, बोलिए बोलिए, और उसके बाद m को कॉमन ले लीजिए, तो ये g और ये a, g प्लस a हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एम ए एम ए टू एम ए, और ये कैपिटल m हो जाएगा टू स्मॉल स्मॉल m a और डिवाइडेड बाई g प्लस a। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बायंट फोर्स की जानकारी होना जरूरी नहीं है, कि मतलब बायंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि बस लगा ही भर है वो, बाकी इक्वेशन को सॉल्व करते समय वो कैंसिल ना हो गया था ना, तो बिना बायंट फोर्स की जानकारी के भी हम चाहते तो ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा समझना है, बोलिए, दोबारा समझना है, तुम बोलो इधर, चलो ठीक। हाँ, ये कह रहा है कि वेक्टर अप्लाइड, फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन अ मास इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ इज इक्वल टू कितना, तो 6i cap - 8j cap + 10k cap ना, एंड एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन का खाली मैग्नीट्यूड दिया है, हालांकि फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर होता है, तो फोर्स को दिया है एकदम वेक्टर फॉर्म में, आई कैप जे कैप के फॉर्म में, लेकिन एक्सेलेरेशन का आपको सिर्फ क्या दे दिया है, मैग्नीट्यूड दे दिया है, और तुमसे मास पूछ रहा है, अरे पूछ रहा है कि नहीं, तो बाबू एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, तो एम बराबर हो जाएगा एफ बाई ए। तो हमको करना बस इतना होगा कि चूंकि हमको मास का तो मैग्नीट्यूड ही ना निकालना है, मास वैसे भी स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, तो फोर्स के मैग्नीट्यूड को एक्सेलेरेशन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो बस एक ही चैलेंज बच गया कि निकाल लिया जाए क्या, फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट आई कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर + -8 का स्क्वायर और प्लस कितना 10 का स्क्वायर, और ये न्यूटन में ही ना आएगा, बताइए अंडर रूट कितना आ रहा है, 100 आ रहा है क्या, और मिला जुला के ये तब हो जाएगा 10√2 न्यूटन, ठीक है। तो पता चल गया फोर्स की जगह पे हम रखेंगे कितना 10√2, एक्सेलेरेशन की जगह पे 1 रखेंगे, और जो हमारा आंसर होगा वो किस में आएगा, केजी में आएगा, हो गया 10√2 kg, रूट टू की वैल्यू तो हमको याद है 1.414, तो 10 × 1.414 kg का मतलब क्या हुआ, 14 kg 140 ग्राम का है, ठीक है, सही है, पिकनिक चल रहा है कहें, तो मन कैसे लगेगा सबका, कहीं नहीं चल रहा है, चलिए एवरेज फॉर नेसेसरी टू स्टॉप अ बुलेट, सुनिए कितना फोर्स जरूरी है एक बुलेट को रोकने के लिए, जिस बुलेट का मास कितना है 20 ग्राम है, मूविंग विथ स्पीड 250 मीटर पर सेकेंड, एज इट पेनेट्रेट्स इनटू अ वुड ऑफ फॉर अ डिस्टेंस ऑफ कितना 12 सेंटीमीटर। देखिए हुआ क्या कि मान लीजिए लकड़ी का ये एक टुकड़ा है, इसमें एक बुलेट एंटर करता है, तो जैसे जैसे बुलेट अंदर जाता जाएगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी, और कहीं ना कहीं जाके इस बुलेट को रुकना भी तो पड़ेगा,
कहीं ना कहीं ना कहीं जाके इस बुलेट को रुकना भी तो पड़ेगा। तो वो बताओ कितना अंदर जाके रुका है? 12 सेंटीमीटर अंदर जाके रुका। और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? और यहाँ पर जो वेलोसिटी दी गई है वो दी गई है 250 मीटर पर सेकेंड। ना हमसे फोर्स पूछ रहा है। अरे भाई, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है कितना है, 250 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी पता है कितना है, जीरो है ना। और हमको डिस्प्लेसमेंट पता है 12 × 10⁻²⁺ मीटर। एक मिनट, सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। सेंटी का मतलब क्या होता है, ये बात पता है ना? चलिए ठीक है, तो इतना मीटर। अब बताइए, यू पता है, भी पता है, एस पता है, तो क्या हमसे ए नहीं निकलेगा? फॉर्मूला कौन सा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है। वी स्क्वायर की जगह पे जीरो का स्क्वायर, यू स्क्वायर की जगह पे और प्लस 2a तो निकालना ही, और s की जगह पे कितना, 12 × 10⁻², है कि नहीं? चलिए, तो इसको इधर लाइए तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो इधर में क्या बचेगा, 12 × 24 × 10⁻²। अब 25 पचे होता है 625, दो को जीरो और दे दो, ठीक है? तो यहाँ से तुमको, अच्छा सॉरी, ए बच रहा है ना, हाँ, यहाँ से तुमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा 625 × 24 × 10⁻², कितना, −2, और इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या है कि यार, ये 10⁻², ऊपर जाके 10⁻² बनेगा, और ये 10⁴ हो जाएगा ओवरऑल। 10⁻ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ओवरऑल। और 625 को 24 से काटोगे कितना आएगा, कितना रहा है, अरे तो बताओ ना कितना आएगा, बढ़िया से बताओ। ट्वेंटी सिक्स पॉइंट जीरो फोर और इंटू 10⁴ ना आएगा। अरे ये ऊपर जाके इसको 10⁴ बना, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। और नहीं नहीं, वो सही बोल रहा है, तुम इधर देखो ना, 25 × 25 625 होता है, तो ये 25 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो काटोगे तो 25 से थोड़ा ही ज्यादा, सॉरी 25 से थोड़ा कम है, तो काटने पर 25 से थोड़ा ही ज्यादा, 52 आने का कोई संभावना नहीं है क्या? वॉट इज द फाइन, ओहो तुम डायरेक्ट ये बता रहे हो क्या, मल्टीप्लाई करके बता रहे हो, अच्छा अच्छा ठीक है। फोर्स बताइए क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास दिया हुआ 20 ग्राम ना, तो 20 × 10⁻³ kg बोल दे उसको। अरे भाई, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो 1000 से डिवाइड करोगे ना, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ऊपर जाके वो 10⁻³ बनेगा, और एक्सेलरेशन आपका है 26.04 × 10⁴। और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। अब एक बात बताइए, आप 26 × 52 कर लीजिए, अच्छा पॉइंट जीरो है ना, तो इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। अरे डेसिमल के बाद जस्ट जीरो है तो आप उसको नेगलेक्ट करिए, तो 26 × कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 52, ठीक। अब उसके बाद ये 10⁻³, 10⁴, तो 10⁻ ना, 10⁻, और यहाँ से भी एक जीरो उठा लीजिए, कितना, तो 10⁻². अब 52 को 5.2 बना लीजिए, तो 10�³, इतना न्यूटन। इसको हम लोग 5.2 किलो न्यूटन भी बोल सकते हैं। अरे 10³ का मतलब किलो होता है भाई, तो 5.2 किलो न्यूटन भी, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो डी नंबर ऑप्शन है। तो ये सिंपल सवाल था, ठीक है, खाली जो भी था कैलकुलेशन था, बाकी कुछ खास इसमें नहीं था। ऐसे सिचुएशंस को देख के एक्सेलरेशन निकालना तो हमको आता है ना, एक्सेलरेशन निकालिए, मास से मल्टीप्लाई करिए, आपको फोर्स मिल जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है, अ मंकी ऑफ मास कितना केजी, 20 केजी, थोड़ा ध्यान से समझना, तुम्हारी बिरादरी का क्वेश्चन है ये। अ मंकी ऑफ मास कितना, 20 केजी इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, एक बंदर एक वर्टिकल रोप को पकड़ के बस नहीं तो हमको इतना काहे गौर से तो लो देख रहा है
मंकी लटका हुआ है, इमेजिन करो। वर्टिकल रोप, द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ कितना 25 केजी इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। देखो हर रस्सी के टूटने की एक लिमिट होती है, एक बहुत ज्यादा लिमिट से ज्यादा अगर हम फोर्स लगा दें तो रस्सी में इतना तनाव आ जाएगा कि हो सकता है कि वो रस्सी ना झेल सके और वो टूट जाए, है कि नहीं। रस्सी तो रस्सी है, आदमी भी अगर बहुत ज्यादा तनाव हो जाए तो आदमी भी टूट जाता है, तो रस्सी तो खैर रस्सी है। तो बता रहा है ये कि जिस रस्सी से ये बंदर लटका हुआ है ना, कौन लटका हुआ है? जिस रस्सी से ये लटका हुआ है वो रस्सी तब तक नहीं टूटेगा जब तक कि उस पर कोई 25 केजी की चीज ना लटका दी जाए ना। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये रस्सी कितना टेंशन झेल सकता है। तो बात बताइए, अगर रस्सी पे हमने कितने केजी की चीज लटका दी, 25 केजी की चीज लटका दी, और ये अभी तक नहीं टूट रहा है, लेकिन जैसे 25.1 केजी भी करोगे ना तो टूट जाएगा। यानी इस रस्सी में ज्यादा से ज्यादा टेंशन कितना हो सकता है? हाँ, तो नीचे की तरफ होगा 250 न्यूटन इसका mg, ऊपर की तरफ होगा t। और चूंकि अभी ये टूट नहीं रहा है का मतलब अभी रेस्ट में ही ना है, इसका मतलब है कि टेंशन की वैल्यू हो जाएगी। तो इस धागे में ज्यादा से ज्यादा टेंशन आएगा 250, उससे ज्यादा टेंशन तुम इसको मत देना, ये टूट जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये जो बंदर है वो कितने केजी का है? ये 20 केजी का है। तो 20 केजी का बंदर लटका हुआ है, क्या ये रस्सी टूट जाएगी? बिल्कुल नहीं टूटेगी। लेकिन सुनिए हो क्या रहा है, इस बंदर को अब ऊपर चढ़ना है। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच द मंकी कैन क्लाइंब अप अलोंग द रोप, इसको ऊपर चढ़ना है। अब तुम मुझको बताओ, अगर चुपचाप पकड़ के लटका हुआ है तो धागे में जो टेंशन आएगा, अरे बोलिए ना, आपको नहीं लग रहा है कि वो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि 200 न्यूटन के बराबर होगा? जब चुपचाप लटका हुआ है तब की बात बोल रहा हूं, लेकिन अगर ये ऊपर एक्सेलरेट करने लगा, ऊपर अगर किसी ए एक्सेलरेशन एक्सेलरेट करने लगा तब क्या लग रहा है? तब भी टेंशन और एमजी बराबर ही होगा क्या? नहीं। अगर एक्सेलरेशन ऊपर आ गया इसका मतलब है कि नेट फोर्स भी ऊपर होना चाहिए, और नेट फोर्स ऊपर बाबू तभी आएगा जब टेंशन एमजी से, नेट फोर्स ऊपर तभी आएगा जब टेंशन एमजी से ज्यादा होगा। हे भगवान, अरे हो सकता है कि ये 200 न्यूटन है, अगर ये 220 न्यूटन हो जाए तो नेट फोर्स ऊपर नहीं आ जाएगा 20 न्यूटन का। हाँ, और एक और बात है, एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा ऊपर वाले टेंशन को भी उतना ही ज्यादा होना पड़ेगा। जा एक मिनट, एफ बराबर एम ए होता है, तो एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा नेट फोर्स को भी उतना ही ज्यादा होना पड़ेगा, और नेट फोर्स को ज्यादा करने के लिए टेंशन को भी उतना ही ज्यादा होना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि अभी एकदम मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो ये टेंशन भी मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम टेंशन ये कितना झेल सकता है? यानी कि ये जिस समय 250 न्यूटन का टेंशन इस धागे में होगा ना, उसी समय ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जा सकता है। अरे बोलिए, तो बताइए ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन आखिर होगा कितना? तो ड्राइविंग फोर्स कौन है बताइए? 250। ऑपोजिंग फोर्स कौन है? 200 है। मास कितना है? 20 है। और एक्सेलरेशन कितना है? ए है, वेरी गुड। आई 250 में से 200 गया, कितना बचा? 50 बचा। तो ना, तो बाबू 50 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू ए, और ए इज इक्वल टू हो जाएगा 50/20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, का मतलब हुआ 2.5 में 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये ऊपर नहीं जा सकता है। अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से ये चढ़ने की कोशिश करेगा धागा टूट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चढ़ना चाह रहा है। कैसे चढ़ना चाह रहा है? 3 मीटर मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं अपने से हम लोग ना बाबू, हल्ला मत करो। तो कहने का मतलब है कि मंकी का जो वेट होगा वो तो 200 न्यूटन ही ना होगा,
और ऊपर क्या है, टेंशन लग रहा है और ये जाना चाह रहा है किस एक्सेलेरेशन से, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से। अरे बोलिए जल्दी, तो बताइए ड्राइविंग फोर्स कौन है, टेंशन है। अपोजिंग फोर्स कितना है, 200 है। मास कितना है, 20 है, और जाना चाह रहा है 3 से ना बाबू, तो यहाँ से बताइए ना टी बराबर कितना आ गया, 260 न्यूटन। बताइए 260 न्यूटन उस धागे में पॉसिबल है, धागा टूट चुका होगा अब तक, वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कभी ऊपर जा ही नहीं सकता है, वो 250 से ज्यादा टेंशन तो ये झेल ही नहीं पाएगा, 260 कहां से आएगा। अरे बोलिए जल्दी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ज्यादा से ज्यादा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और बात है, अगर ये बंदर जो है अगर नीचे उतरने लगे किसी एक्सेलेरेशन से, तब बताओ धागे में टेंशन उतना ही रहेगा, ज्यादा होगा कि पहले से भी कम हो जाएगा, पहले से क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि अब बंदर का एक्सेलेरेशन कहां है, नीचे है, इसका मतलब नेट फोर्स भी कहां होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, और नेट फोर्स नीचे तभी ना होगा जब नीचे वाला फोर्स बड़ा हो और ऊपर वाला फोर्स छोटा हो, इसको तो हम नहीं बदल सकते हैं, तो टेंशन ही ना कम हो के, अरे जैसे मान लो टेंशन 180 न्यूटन हो गया, अरे बोलो ना, तो टेंशन अगर 180 न्यूटन हो गया तो नेट फोर्स नीचे की तरफ 20 न्यूटन नहीं आ जाएगा। हाँ, तो अगर आप ऊपर चढ़ रहे हैं चाहे नीचे चढ़ रहे हैं, इससे भी धागे के टेंशन पर असर पड़ता है। क्लियर है, ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं।